हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं स्माइल सी विजयलक्ष्मी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, कल हमने भाग से संबंधित शब्दों में आने वाले प्रश्नों के बारे में आपको बताया था। आज की वर्कशीट भी उसी तरह ही है, यानी कि कल की तरह हमने जो शब्दों में आपको भाग करवाए थे, आज भी शब्दों में आने वाले भाग के प्रश्न ही आपको बताऊंगी। जैसे देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 36 आइसक्रीम है और उसे हमें 9 बच्चों में बांटनी है, तो हर एक बच्चों को कितनी आइसक्रीम मिलेगी इसका हमें पता लगाना है। तो देखिए बच्चों, आइसक्रीम कितनी है हमारे पास में, 36। अब बच्चे कितने हैं, 9। तो हमें एक बच्चे के पास कितनी आइसक्रीम चाहिए वो पता लगानी है, तो हमको करना है भाग। तो हम 9 का भाग 36 में देंगे, तो 9 का पाड़ा इतनी बार बोले कि 36 आ जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, यानी कि 9 का पाड़ा 4 बार बोलने पर 36 आया, यानी कि हमारा उत्तर क्या आया, 4। तो मतलब प्रत्येक बच्चे को 4 आइसक्रीम मिलेगी, यह इसका उत्तर हुआ। तो आपको उत्तर इस तरह लिखना भी है। इसी प्रकार आपको बाकी प्रश्न हल करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा।